प्राइवेट बस की टक्कर से हुई कोल्ड स्टोर के श्रमिक की मौत। थाना मक्खनपुर क्षेत्र रूपसपुर में कोल्ड के सामने की बताई गई घटना। पुलिस ने मौके से बस को पकड़ा, दर्जनों सवारियां थी सवार थाने पर बैठी। फिरोजाबाद थाना मक्खनपुर क्षेत्र रूपसपुर में कोल्ड स्टोर के सामने बीती देर रात्रि एक प्राइवेट डबल डेकर बस की टक्कर से सड़क पार कर रहे कोल्ड श्रमिक की मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल लाया गया। बताया गया थाना जसराना क्षेत्र पलिया दोयम निवासी 25 वर्षीय अनंत कुमार थाना मक्खनपुर क्षेत्र रूपसपुर स्थित आरडी कोल्ड स्टोर में काम करता था। बीती देर रात्रि कोल्ड से सड़क पार कर जा रहा था, तभी एक लखनऊ से सवारियों को लेकर निकली प्राइवेट डबल डेकर बस ने उसे रौंद दिया। घटना के दौरान श्रमिक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम को जिला अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी होते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, बस को पकड़कर सवारियों सहित थाने ले आई, जहां सुबह तक सवारियां गंतव्य के लिए अन्य वाहन का इंतजार करती रहीं। क्या बजे बैठी थी आप? 6:30 बजे। तो क्या बजे घटना है ये रात? 12:30 बजे। तो ये कहाँ आप लखनऊ से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे राजस्थान। तो जब से आप ये रात भर बैठे हो तब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई था? कोई व्यवस्था नहीं ना। तो गाड़ी वाले थे तो मालिक से बात हुई थी? नहीं, मालिक से कोई बात नहीं हुई थी, मैनेजर से बात हुई थी। क्या कह रहे थे मैनेजर? अभी तो सुबह तक देखते हैं, मालिक से मैंने बात किया। अभी तो उनको तो रात ही भेजना चाहिए ना गाड़ी दूसरी, उनके पास एक गाड़ी नहीं पहुँचा तो गाड़ी ये की एक गाड़ी हो चलो कहा जाए। 3,000 रुपये किराया लगा। पूरी रात आप यही रुके रहे हैं? कुछ दिन बाद। ये मृतक के कौन थे आपके? मेरा भाई था छोटा। क्या नाम है? अंत कुमार। अंत कुमार। इनके पिता का नाम? श्री युवराज सिंह। कहाँ रहते हैं? ग्राम पलिया दो। पलिया दोयम थाना जसराना। क्या घटना हुई थी? रात काम करके निकल रहे थे तो बस। कहाँ पर काम करते थे? आरडी कोल्ड रूपसपुर। रूपसपुर थाना मक्खनपुर में पड़ता है। हाँ जी। फिर क्या हुआ? पीछे से बस वाले टक्कर मार दिया। वहीं उसके सामने ही? सामने जी। कौन सी बस थी? डबल डोर वाली थी, एसी वाली, राजस्थान का नंबर है। डबल डोर वाली थी सवारी। बस पकड़ गई है? बस पकड़ गई, थाने पे खड़ी है। इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी? ऑन स्पॉट मौत हो गई। शादी हो गई इनकी? हाँ जी। बच्चे भी हैं? हाँ जी। कितने बच्चे हैं?